11 दिसंबर गीता महोत्सव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन मंदिर के साथ मिलकर स्कूल शिक्षा विभाग गीता महोत्सव के तहत एक प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। अलग अलग श्रेणी की प्रतियोगिता चल रही है। सीएम ने कहा कि यह मानव जीवन को कर्मवाद से जोड़कर एक मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे सत्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सफलताएं पाई जा सके। जय श्री कृष्णा। मुझे इस बात का आनंद भी है और ये हमारी सनातन धर्म की अद्वितीय घटना है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा ग्रहण करने हमारे मध्यप्रदेश की धरती पे आए और उज्जैन में आचार्य सांदीपनि जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और ज्ञात इतिहास में अपने मुख से महाभारत जैसे भीषण युद्ध के समर में भी शास्त्र सम्मत मार्ग दिखाते कर्मवाद की शिक्षा देने का जो उन्होंने अद्वितीय एक अप्रतिम प्रयास किया है और भगवत गीता का उनके मुख से एक तरह से दुनिया को वो जो देन दी है अद्वितीय है। इस पवित्र पुस्तक के माध्यम से ये एक शास्त्र बना और इसके आधार पर दुनिया भर के आज तक 5000 साल में कई कई विद्वानों के ऋषि मुनि शंकराचार्य महंत महामंडलेश्वर सामान्य जन हर जन के मन में जिज्ञासा भी होती है और समाधान भी मिलता है। गीता की विशेषता है, गीता कब सुगीता बन जाती है ये अपने आचरण से व्यवहार से धारण करने से ऐसे कई अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसे में जो मानवता के जीवन को कर्मवाद से जोड़ करके सीधे सीधे हमारे जीवन में एक मार्ग प्रशस्त करती है जिस सदमार्ग के आधार पर अपने जीवन की सफलताएं पाई जा सके, ऐसे में हमने प्रयास किया गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन के साथ मिलकर के स्कूल शिक्षा विभाग गीता जयंती पर जो बच्चे रुचि रखते हैं उनकी प्रतियोगिता करा करके अलग अलग श्रेणी की प्रतियोगिता चल रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आइए गीता के श्लोक का वाचन करें, उसको अध्ययन मनन चिंतन करें और गीता में लोगों की रुचि बढ़े। इस दृष्टि से गीता जयंती पर ये जो हमने एक अकेडमिक अभियान चलाया है इसका हिस्सेदार बने।